अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम आलमीन का रब है। नाज़रीन हज़रात, मैं हूं नसीम अख्तर मुरादाबादी, आपकी खिदमत में एक ये नई अपडेट लेकर के केरला से जो नौजवान शिहाब आज जिसको दुनिया जानती है, मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के लिए पैदल सफ़र कर रहा है। बहुत सारे लोगों का ये डाउट है, ये नौजवान नमाज रास्ते में पढ़ता है या नहीं पढ़ता है। नाज़रीन इकराम, ये बात वाज़े हो चुकी है साफ़ तौर पर कि ये नौजवान जब रास्ते में सफ़र करता है तो जहाँ भी नमाज का टाइम हो जाता है, ये नौजवान वहीं पर नमाज अदा करता है। जो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि ये नौजवान नमाज नहीं पढ़ता है, ये उनकी अफवाहें बिल्कुल गलत हैं। दूसरी बात एक ये भी है कि इस नौजवान को केरला से मक्का शरीफ पहुंचने में कितने देशों से गुज़रना होगा। तो आइए मैं बताता हूं कि ये नौजवान केरला से चला तो चलने के बाद में पहले ये कर्नाटक स्टेट में आया, जो कि हिंदुस्तान का एक स्टेट है, एक राज्य है। कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। राजस्थान से ये नौजवान दाखिल होगा पाकिस्तान में। पाकिस्तान को पार करने के बाद में ये नौजवान पार करेगा इराक़ को, इराक़ के बाद में ईरान को, और ईरान के बाद में कुवैत को, कुवैत के बाद तब ये नौजवान सऊदी अरब में दाखिल होगा और ये कुवैत के रास्ते से मक्का मुकर्रमा पहुंच जाएगा। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। भीगे हुए परों से परवास करके देख, अंजाम खुदा के हाथ है आगाज़ करके देख। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। अस्सलामु अलैकुम।